अगर आपके पास भी डेल का लैपटॉप है और ऑटोमेटिक ये सिस्टम डायग्नोस्ट में चला जाता है, ये देखिए मेरे पास डेल का लैपटॉप है और ये जब भी ऑन करते हैं ये ऑटोमेटिक चला जाता है बायोस में, ये सॉरी डायग्नोस्ट में। तो सबसे पहले चलिए इसको हम अल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करके F12 प्रेस करेंगे। ये देखिए F12 प्रेस करने पर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ऑन नहीं हुआ है। देखिए F12 प्रेस करने पर भी नहीं आ रहा है, तो चलिए इसको फिर से ऑन करते हैं और फिर से दिखाते हैं आपको। जैसे ही पावर ऑन कर दिए ये देखिए ये पावर ऑन हो चुका है। अब इसमें जैसे ही देखिए डेल का लोगो आता है उसके बाद आप खुद ही चला जाता है डायग्नोस्ट में। विंडो डायग्नोस्ट नहीं है, सिस्टम डायग्नोस्ट है, ये डेल का है तो 3559 मॉडल है। तो इस अल्ट कंट्रोल डिलीट करके F12 प्रेस करेंगे। ये देखिए F12 प्रेस किए करने के बाद सबसे लास्ट कॉर्नर में ये येलो कलर का हो जाएगा। अब इसका ये देखिए नीचे आना है बायोस सेटअप में। अब बायोस सेटअप में आने के बाद ये नीचे तीसरे नंबर पे आना है, देख रहे हैं यहाँ पे बूट वाले में। यहाँ पे क्या हुआ UEFI है और नीचे लगेसी में ऊपर सेलेक्ट करना है। अब ये देखिए फर्स्ट बूट में वो USB डिटेक्टेड कर रहा है लेकिन यहाँ पे HDD करना है। तो HDD करने के लिए माउस के सहारा से हम इसको फर्स्ट बूट में HDD को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब देखिए सेव अप्लाई करके सेव कर लिए, अब यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। अब ये खुद पे खुद विंडोज़ ऑन हो जाएगा। अब आपको बार बार F12 प्रेस करके इंटरनल हार्ड ड्राइव पे नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये देखिए अब ये खुद ही विंडो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अभी आप देख सकते हैं बिना कोई भी की प्रेस किए हुए विंडोज़ ऑन हो चुका है। तो इसका प्रॉब्लम जो था वो मैंने बता दिया है। जैसे ही सिस्टम ऑन करना है F12 प्रेस करना है, F12 प्रेस करके बायोस सेटअप में जाना है, वहाँ पे बायोस सेटअप में बूट में जाकर UEFI से लगेसी में जाकर चेंज कर देना है।